कांग्रेस पदाधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। अभी यहाँ हुआ, हमारे एक कार्यकर्ता को चंदन पांडे को पकड़ लिया था, वो युवा मोर्चा का सचिव है, थाना पर पकड़ लिया। हमारे जो चुनाव प्रभारी है, बाढ़ के जिलाध्यक्ष रहे दो टर्म, वो गए वहाँ, उसको क्यों पकड़ लिया, खाली हमारे कार्यकर्ता को पकड़ा। दिन भर माले राजद के लोग बूथ कैप्चरिंग करते रहे, हम कहते रहे डीएम को और एसपी को, कहीं कहीं कोई किसी को नहीं पकड़ा। हमारे किसी कार्यकर्ता को आरा ग्रामीण क्षेत्र में हमको बोले हैं, एसपी को बोले हैं और डीजी को बोले, दिन में भी हम डीजी को शिकायत की, हमने कहा कि साहब आपके लोग शराब पी करके गए बेरा, आप वहाँ गोली चला दें। जितने हमारे बूथ है, सिर्फ आपका नहीं, हमारे जितने बूथ है सब पर डिस्टर्ब किया है पुलिस प्रशासन ने, बूथ पर जा करके, एक एक बूथ पर जा करके, जहाँ हमारा वोटर है, आज जहां पर की राजद का वोटर है, माले का वोटर है, खबर पर खबर आ रही है कि हाँ साहब से बूथ कैप्चरिंग कर लिया, लेकिन कुछ नहीं, एक आदमी नहीं गिरफ्तार किया हमारे ही वोटर को। तो हमने डीजीपी को शिकायत किया, तो हमने कहा कि साहब आप जांच कराइए, तो डीजीपी ने एसपी को डांटा, उसके बाद हमने डीएम को कहा कि एडीएम को भेजिए जांच के लिए। उसके बाद फिर हम आ रहे थे, इधर हमारे जो गए नंबर दो जो चुनाव प्रभारी है वहाँ मुफस्सिल थाना, उस पर गोली चला। ये है हालत अराजकता की। तो अभी हम डीजीपी को बोले, हम बोले हैं कि साहब ये चलेगा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, यही गोली चलाया है, यही है क्या यहाँ पे वोट पूरे गांव के लोग, समुदाय के लोग, हर जाए के लोग वोट दे रहा था, शांतिपूर्वक वोट हो रहा था। 3 बजे के समय में हमारे यहाँ की महिलाएं गांव की गई, उस बूथ पर सिपाही महिला परिचय पत्र दी, तो घूंघट हटाया, परिचय पत्र मिलाया और बोला कि आपका बर्थ डेट क्या है, और हाथ भर कर खींच कर निकाल दिया, लाठी से मारना शुरू कर दिया लड़के लोग पर। लड़का लोग किसी तरह, गांव के लोग इस बच्चे लोग को सुरक्षा किया, और वहाँ फायरिंग 6 फायरिंग किया है, रिवॉल्वर से किया है, वो फायरिंग हुआ है रिवॉल्वर से। इसका फोटो भी है सर, इसका फोटो बोल रहा था, इसका जांच होगा, एक मिनट सुन लीजिए, ऐसा ही नहीं, सिर्फ यही नहीं हुआ है, उदवंत नगर में भी हमारे लोगों पर हमला हुआ है। और एक मिनट, हमारा गाँव आपस में किसी से कुटुंब नहीं हुआ, बढ़िया से वोटिंग हो रहा था, प्रशासन भी चल किया है। इसका जांच होगा, एक चीज मैं कहता हूँ, ये मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, इसका जांच होगा, आज जो संबंधित पदाधिकारी है वो निलंबित होंगे, ये मेरा वादा है। अब हमको वहाँ पर जो हमारे एक अभी वहाँ पर अभी